मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नौकरी से निकाले गए 110 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर बुलाए जाने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी लामबंद हैं। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी 2 घंटे के लिए धरने पर बैठे। इस दौरान 2 घंटे कार्य का बहिष्कार करके गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एमडीए की उपाध्यक्षा हठधर्मी पर आमादा है। उनके द्वारा एमडीए में विगत 25 वर्षों से सेवाएं देने वाले 110 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जिसके कारण इन परिवारों पर रोजी रोटी का संकट छा गया है। कहा गया कि इस मुद्दे को लेकर विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी एकजुटता का परिचय देते हुए एक मंच पर हैं। चेतावनी दी गई कि यदि कर्मचारियों की बहाली नहीं की गई तो सभी विभागों के कर्मचारी 22 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। कहा गया कि कर्मचारी नहीं चाहते कि जनता को कोई परेशानी हो और आवश्यक सेवाएं बंद की जाएं, लिहाजा प्रशासन इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए एमडीए द्वारा नौकरी से निकाले गए 110 कर्मचारियों की बहाली के आदेश दे। गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए मुरादाबाद कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप बडोला ने कहा, आज भी लगातार विभागों में गेट मीटिंग रहेगी और मैं समझता हूं कि प्रशासन आज भी यदि कोई 110 कर्मचारियों की बहाली के लिए कार्रवाई नहीं करता है तो जैसा कि हमारे पूर्व प्रवक्ताओं ने कहा, एक ऐतिहासिक आंदोलन इस जनपद में होगा। कल से इस पूरे जनपद के समस्त कर्मचारी, समस्त विभागों के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से जिला प्रशासन के उन तमाम अधिकारियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है। हम नहीं चाहते इस जनपद का माहौल खराब हो, हम नहीं चाहते इस जनपद के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा हम लोगों के आंदोलन के चलते हो, इसलिए हम लगातार टाइम दे रहे हैं। 3 बार आयुक्त महोदय से वार्ता हुई है, लिखित में उनको ज्ञापन दिया है, पहले भी हमने सांकेतिक के रूप में 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया और उसके बाद निश्चित रूप से हमारी मजबूरी होती है और हमने घोषणा की है। तो मित्रों जान लीजिए कल से सब बंद होगा। मैं स्वास्थ्य विभाग के, चूंकि यहाँ पर सारे कर्मचारी बैठे हैं, ये जान लीजिए कल प्रातः 8 बजे से इस ओपीडी की सारी सेवाएं पूर्ण रूप से ठप रहेंगी और ये कार्यक्रम हमारा अनिश्चितकालीन रहेगा। अधिकारी के दबाव में ना आए, क्योंकि एक विभाग का आंदोलन नहीं है। मैंने पहले कहा कि हम नहीं चाहते जनता को असुविधा हो, लेकिन ये प्रशासन हमको मजबूर कर रहा है। और कल ये स्वास्थ्य विभाग की हड़ताल ने, हमारे भाई आसिफ जी ने आपको बताया कि इस जनपद के सारे विभागों की, कल नगर निगम के कर्मचारी नेताओं ने, भाई राजू भाई अम्बेडकर ने भी घोषणा करी है कि कल इस शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी, इस शहर में कूड़े के ढेर लग जाएंगे और इस तमाम विभाग, चाहे वो आरटीओ, चाहे नगर निगम हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, सिंचाई हो, पीडब्ल्यूडी हो, विकास भवन हो, समाज कल्याण हो, वन विभाग हो, उद्यान हो, कृषि हो, सारे विभागों में कल से तालाबंदी हो जाएगी। तो मैं एक बार पुनः प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि हमको ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहते हैं। शाम तक वक्त है, शाम तक उन 110 कर्मचारी की बहाली की अगर प्राधिकरण प्रशासन ने घोषणा नहीं करी तो हम इस आंदोलन के, कल से होने वाली हड़ताल के प्रथम चरण में, मैं ये भी इस प्रशासन को चेतावनी देना चाहूंगा कि कल से होने वाली हड़ताल के प्रथम चरण में हम ओपीडी की सेवाओं को बाधित कर रहे हैं और आवश्यकता। गेट मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट एवं अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे।